बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। जी हां, यह महज संयोग है कि जिस दिन उनके बेटे तेजस्वी यादव का जन्मदिन है उसी दिन लालू दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा पूरी कर रहे हैं। जी हां, ऐसे में लालू प्रसाद को हाईकोर्ट में जमानत मिलने की संभावना है। जी हां, उनके अधिवक्ता देवेश मंडल ने कहा है कि दुमका अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7-7 साल की सज़ा मिली है। जी हाँ, हाईकोर्ट 7 साल की सज़ा मान रहा है, जिसकी आधी सज़ा लालू प्रसाद यादव 9 नवंबर को पूरा कर रहे हैं। इसी आधार पर उन्हें हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि देवर्षि मंडल ने बताया है कि इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किया जाएगा, ताकि दुर्गा पूजा के बाद लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई की जा सके। दरअसल चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है, लेकिन उसी दिन कोर्ट ने लालू प्रसाद की बीमारी के बारे में संज्ञान लेते हुए रिम्स से पूरी रिपोर्ट तलब की है। साथ ही अदालत ने जेल प्रशासन से पूछा था कि लालू प्रसाद जब से जेल में हैं तब से उनसे कितने लोग मिले हैं। जी हां, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर को निर्धारित की है। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल की पूरी कोशिश है कि इसी दिन लालू की जमानत पर सुनवाई हो, ताकि आधी सजा काटने का हवाला देते हुए उन्हें जमानत की सुविधा मिल सके। अगर कोई आधी सजा के आधार पर लालू को जमानत की सुविधा देती है तो यह तेजस्वी यादव के जन्मदिन की सबसे बेहतरीन गिफ्ट होगा। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।